तो अपर्णाज रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बूंदी रायता। बूंदी रायता बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप दही, आधा कप बूंदी, 1/4 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच से थोड़ी कम काली मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच चीनी, नमक स्वादानुसार, धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा पानी हमने दही को पतला करने के लिए लिया है और ये बाकी का पानी बूंदी को भिगोने के लिए। सबसे पहले हम बूंदी को 5 मिनट के लिए पानी में भिगो के रखेंगे और चम्मच से इसको नीचे दबाएंगे ताकि ये अच्छे से भीग जाए। अब हमने यहाँ पर एक बाउल लिया है, इसमें हम रायता बनाएंगे। तो ये हमने डाल दिया दही। दही को हम चम्मच से थोड़ा फेंट लेंगे, इससे रायता अच्छा बनता है। थोड़ा सा पानी डाल के एक बार और दही को अच्छे से मिक्स करेंगे। बूंदी डालने के बाद रायता गाढ़ा हो जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी यूज कर रहे हैं। आपको जितना गाढ़ा रायता बनाना है उसके हिसाब से आप पानी थोड़ा कम या ज्यादा कर सकते हो, या तो इस स्टेप को टोटली स्किप भी कर सकते हो। तो देखिए, ये अपना दही इतना पतला हो गया है। तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे, जीरा पाउडर, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च, नमक, थोड़ी सी चीनी और ये धनिया पत्ता। अब सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। फाइनली हमें डालनी है बूंदी। बूंदी को हमें पानी से निकाल कर हाथ से हल्के से प्रेस करके इसका सारा पानी निचोड़ लेना है। ऐसे ही हमें सारी बूंदी पानी से निकाल कर दही में ट्रांसफर करनी है। ध्यान रखिए, हमें बूंदी को ज्यादा प्रेस नहीं करना, नहीं तो बूंदी स्मैश हो जाएगी। अब इस बूंदी को हम दही के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और ये अपना बूंदी रायता रेडी है। इसको धनिया पत्ती से गार्निश करके सर्व करेंगे। आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए और आपके अनुभव नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो नीचे वीडियो पे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही अच्छे रेसिपीज के लिए मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए।